जंग तो लड़ रहे हैं। तो लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह जंग लड़नी थी क्योंकि मैदान जंग तैयार था। जी जयश्री, बड़ी खबर है। अगर ये बात है तो बड़ी खबर है। जो लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से मीट आउट कर रही है ये खबर। लेकिन अंतिम दौर तक क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि आप देखिए बहुत कांटे का मुकाबला था गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ में। बयान आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई काम कर रही है अपना, कांग्रेस कम से कम अभी बात कह सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा की सीट पर रुझान आने के बाद कांग्रेस कम से कम ये शगुफा तो छोड़ सकती है शशि कि ईडी और सीबीआई काम कर गई अपना। नहीं नहीं सुमित, ईडी आने के बाद तो गोविंद डोटासरा का चुनाव और उठा था। जो डोटासरा पिछड़ रहे थे चुनाव में वो और मजबूत हुए थे ईडी आने के बाद, क्योंकि सहानुभूति लहर उनके पक्ष में आई थी। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से सीटों के रुझान आ रहे हैं, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा, राजकुमार जी के पास जाऊंगा, एक कमेंट लूंगा, क्योंकि ये अभी शुरुआती पोस्टल बैलेट के रुझान थे। और राजकुमार जी, अगर पोस्टल बैलेट के ये रुझान है तो ईवीएम के रुझान क्या संकेत देंगे? देखिए, पोस्टल बैलेट के रुझान और ईवीएम के रुझान दोनों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं 1-2 बजे के आसपास जब पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एक मोटी धारणा यह है।